हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो दोस्त अपना इंटरेस्ट टेक्निकल वीडियोस या टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा रखते हैं। दोस्तों, आपने तो कभी ना कभी गूगल या किसी और ब्राउजर पर किसी न किसी साइट को तो विजिट किया ही होगा। दोस्तों, जब भी हम गूगल या दूसरे सर्च इंजन पर किसी चीज के लिए हम सर्च करते हैं तो हमारे होम पेज पर बहुत सी साइट ओपन हो जाती हैं और हम अपनी पसंद से किसी भी साइट को विजिट कर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पर दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो क्या सोचा है कि ये साइट्स कौन बनाता है और क्यों बनाता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी खुद की साइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विश्वनाथ और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मॉडल अड्डा द मास्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साइट बनाई क्यों जाती है। दोस्तों, इनको बनाने का मुख्य कारण होता है कि आपको एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और दूसरा यह है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने में भी ये मदद करती है। दोस्तों, जो लोग साइट बनाते हैं उनको इनके लिए पैसे भी मिलते हैं, जिसका वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और हम अपना क्रोम ब्राउजर फ़ोन का ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, आपको पहले फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर लेना है और लैंडस्केप मोड में करने के बाद आपको जैसा आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, अब आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है blogger.com। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने blogger.com टाइप किया है। अब आपको दोस्तों इसको सिंपली प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, करते करते आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही प्रोसीड होता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। फिर आपको क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड होता है, उसके बाद आपको अपना गूगल अकाउंट चूज कर लेना है जिस पर आपको अपनी साइट क्रिएट करनी है। तो सिंपली दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे प्रोसीड होता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। आपको अब इस पर अपना जो ब्लॉग का या जो साइट का मेन नेम है वो आपको डाल देना है। तो दोस्तों, मैं डाल देता हूँ। मॉडल अड्डा। तो दोस्तों, मैंने अपना जो नाम डाल दिया है, उसके बाद मैं सिंपली प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आगे आता है आपको अपना URL चुनना है। तो दोस्तों, मैं अपना URL क्रिएट कर लेता हूँ। URL क्रिएट करने के लिए आपको एक यूनिक URL क्रिएट करना होता है, तो आपको एक यूनिक URL अपना डाल देना है। मैं डाल देता हूँ मॉडल अड्डा। दोस्तों, URL डालते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें बीच में गैप ना दें, क्योंकि गैप देते हैं आपको ये एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद मैं मॉडल अड्डा ऑफिशियल डाल देता हूँ। ऑफिशियल डालने के बाद मैं सिंपली 2000 डाल देता हूँ। 2000 डालने के बाद डॉट लगा देता हूँ। डॉट लगाने के बाद मैं सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये बता देता है कि ये एग्जिस्ट URL नहीं करता है, तो मैं सिंपली इस डॉट को हटा लूँगा। डॉट को हटाने के बाद ये एग्जिस्ट करने लगेगा, और जैसे दोस्तों मैंने डॉट हटाया तो ये एग्जिस्ट करने लगा है। अब दोस्तों, ये अपनी साइट का ऐसे जो गूगल पर सर्च करेंगे तो आएगी। अब हम प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्प्ले नाम है वो आपको टाइप करना है। तो दोस्तों, डिस्प्ले नाम मैं टाइप कर देता हूँ मॉडल अड्डा। दोस्तों, मैंने मॉडल अड्डा टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद मैं सिंपली इसको प्रोसीड आगे कर लेता हूँ। प्रोसीड करने के बाद प्रोसेस किया जा रहा है, डिस्प्ले नाम अपडेट हो गया। तो दोस्तों, जैसा मेरा ब्लॉग बन चुका है, अब मैं इसको आगे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करूँगा। तो सिंपली मैं प्लस पे साइन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, हम अब इसमें हर एक एडिटिंग टूल को बारीकी से समझने वाले हैं। तो इसमें हम पहले इस ऑप्शन को समझते हैं। इसमें हम दो व्यूज देख सकते हैं, एक कोडिंग का व्यू और एक सिंपली व्यू। दोस्तों, इसमें हम सिंपली बैक या आगे कर सकते हैं।
और अगले ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे फंड आपको मिल जाते हैं जिससे आप अपनी फंड्स की स्टाइल चेंज कर सकते हैं या आप ज़्यादा जो फंड हैं वो भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फंड्स हैं, जैसे देख लीजिए आप। तो दोस्तों सिंपली मैं एक को चूज कर लेता हूँ और दोस्तों मैंने ये चूज कर लिया है, तो मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आगे मैं दोस्तों इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग टूल मिल जाते हैं, तो आप बारी बारी से इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं अगले टूल पे चले जाता हूँ, क्लिक करते हैं। तो इसमें आपको हेडलाइन या पैराग्राफ या आप कैसे लिखना चाहते हैं, हेडलाइन लिखना चाहते हैं, मुख्य शीर्षक लिखना चाहते हैं, शीर्षक लिखना चाहते हैं, तो आप मैं सिंपली इसको मुख्य शीर्षक पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसमें आपको जो टेक्स्ट है उसको आप थोड़ी सी बॉर्डर ब्लर कर सकते हो, उसके बाद आगे आप टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो, उसके बाद आप टेक्स्ट अंडरलाइन कर सकते हो और इसमें आप टेक्स्ट को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो जैसा कि मैंने टाइप किया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें आप कलर चूज कर सकते हो, कोई सा भी आप कलर ले सकते हो, बहुत सारे इसमें आपको कलर मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने एक ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी साइट को डिजाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे चैनल के लिए भी मैंने एक साइट डिज़ाइन की है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। तो दोस्तों सिंपली हम अपने साइट को देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी साइट कैसी है। तो दोस्तों मैंने इसमें अपनी जो चैनल का लोगो है वो पहले ऐड किया है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो मैंने अपना चैनल का नाम लिखा है, अपने बारे में बताया है और जो मेरा ड्रीम है वो बताया है। इसके बाद आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाता है, कुछ फ़ोटोज़ मिल जाती हैं और आपको आखिर में चैनल का लिंक मिल जाता है जिस पर आप क्लिक कर चैनल देख सकते हो। दोस्तों ऑल ओवर हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो हमें मेल भी भेज सकते हैं और हमारी ऑफिशियल साइट को भी विजिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो से पहले साइट बनानी आती थी या नहीं। मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।